अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज की रेसिपी लेके आई हूँ चावल की रोटी, जो सॉफ्ट और मुलायम कैसी बनती है वो मैं ये वाले वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 3 कप पानी और इस पानी को हम लोग अच्छे से थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून मैदे का आटा। मैदे के आटे के डालने से हमारी रोटी अच्छी सॉफ्ट और नरम बनेगी, बट इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे पानी को। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसे फ्लेम को करेंगे हम लोग लो और जाएगा इसमें 2 कप चावल का आटा। 3 कप पानी में जाएगा 2 कप चावल का आटा। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, फ्लेम को कर देंगे हम बंद। तो ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स। अब हम इसे और सेट होने देंगे 10 मिनट के लिए। तो हो गया अब हमारा आटा सेट। अब मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है इसलिए मैं डालूंगी इसमें नॉर्मल पानी और इसे अच्छे से गूंध लूंगी। जितना अच्छे से आटा गूंदेंगे उतनी रोटी हमारी अच्छी सॉफ्ट बनेगी। देखिए हमारा आटा ये अच्छे से गूंद के हो गया रेडी। अब मैं एक पेड़ा बना के दिखाऊंगी कि हमारा आटा कितना अच्छे से गूंदा हुआ है। तो ये हमारा पेड़ा एकदम अच्छे से बन गया है, मतलब हमारा आटा भी अच्छे से रेडी है। तो चलिए अब रोटी को हम लोग बेल लेंगे। अब मैं इस पेड़े में सूखा आटा लगाऊंगी और इस रोटी को अभी बेलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छे से बेल रही है। तो ये रोटी हम लोग एक के ऊपर एक रख सकते हैं बेल के, ये चिपकती नहीं है। गेहूं की रोटी चिपक जाती है बट ये चावल की रोटी नहीं चिपकती है। तो ये हो गई रोटी तैयार। अब लूँगी मैं एक तवा जिसे मैं अच्छे से हाई फ्लेम में रख के गर्म कर चुकी हूँ। अब मैं इसे लो करके इस पर डाल दूँगी रोटी। अब इसे अल्टी पल्टी करके हम लोग अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छे से सेक रही है ये। तो हो गई हमारी ये चावल की रोटी रेडी। देखिए कितनी सारी रोटी बनी है और कितनी अच्छी नरम और सॉफ्ट और मुलायम है ये। तो अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।